नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ आपसे डिस्कस कर लिया जाए अग्निपथ स्कीम के बारे में। अगर आप अग्निपथ स्कीम के बारे में देखेंगे तो ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा हमें जानकारी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बेसिकली स्कीम है, इसके तहत क्या क्या होने वाला है, इसके तहत आर्म्ड फोर्सेज में जो नियुक्ति होनी है उससे रिलेटेड ये स्कीम है। पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रीलिम्स का फैक्ट देख लेते हैं कि जो हम लोगों के जो आर्मी के हेड कौन हैं, नेवी के हेड कौन हैं और एयरफोर्स के हेड कौन हैं। तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है VR चौधरी, आर हरी कुमार जो हैं नेवी के हेड हैं और पांडे जो हैं वो जो पांडे साहब हैं वो आपको लीड कर रहे हैं आर्मी को। तो VR चौधरी, आर हरी कुमार और पांडे साहब लीड कर रहे हैं। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो कोई है नहीं, तो ये तीन चीज़ आप ध्यान करेंगे प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम में है क्या? अगर अग्निपथ स्कीम को देखिए, हम लोग आज क्या करेंगे कि हम लोग इसके कुछ प्रो वाला पॉइंट लेंगे, कुछ पॉइंट इसका कॉन्स वाला लेंगे और हम दोनों पॉइंट को ईमानदारी से तटस्थता के साथ न्यूट्रलिटी के साथ रखेंगे और आपका कॉल होगा कि आप अपना प्रो में अपना स्टैंड लेंगे कि कॉन्स में स्कैम लेंगे, कॉन्स में स्टैंड लेंगे। पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है। अगर कोई भी लड़का 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच के एज का है तो वो लड़का इस स्कीम के तहत आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, नेवी को ज्वाइन कर सकता है, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है। बजाबते वो 10th पास होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ टेक्निकल क्या जो ज़रूरत पड़ता है, आर्मी में होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल इन्फेंट्री, तो 12वीं पास की भी ज़रूरत हो सकती है या फिर अगर ITI कोई पास है वो भी जाकर इसमें अप्लाई कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में ये 4 साल के लिए ज्वाइन करेंगे, ये टोटल जितने जो लोग ज्वाइन करेंगे मात्र 4 साल के लिए ज्वाइन करेंगे। इस 4 साल में आप ये पाएंगे कि 6 महीना उनका ट्रेनिंग होगा और 3.5 साल के लिए वो सर्विस में रहेंगे और टोटल हो जाएगा 6 महीना। जब वो सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो पहला महीना उनको 30,000 मिलेगा, पहला साल 30,000, दूसरा साल 33 और जब वो 4 साल में रिटायर करेंगे तो 40,000 रुपया उनको मिलेगा। अगर मानते हैं और जब वो रिटायर करेंगे, जब एग्जिट आफ्टर 4 ईयर करेंगे तो कुल जो पैसा उनको मिलेगा 11 लाख रुपया, आप एक तरह से नहीं होता जो पेंशन वाला सिस्टम है, 11 लाख मिलेगा, रिटायरमेंट वाला सिस्टम है, 11.5 लाख रुपया के आसपास मिलेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि दे विल बी नॉट बी लिएबल फॉर पेंशन, इनको पेंशन नहीं मिलेगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि मानते हैं कि अगर कोई लड़का 21 साल में भर्ती होता है, 25 साल में वो सर्विस से आउट हो जाएगा और वो जब आउट होगा तो ऐसा इसमें प्रावधान है कि आपको बंदूक एक दे दिया जाएगा और गन का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आराम से गन का लाइसेंस मिल जाएगा। क्या इसके प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर उसको लाइफ कवर 48 लाख का मिलेगा, डिसेबिलिटी वाला इतना मिलेगा, अगर कुछ डेथ होता है तो 44 लाख मिलेगा। ये सारा इंश्योरेंस कराया हुआ है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। और ये जो 11 लाख आपका रुपया मिल रहा है ये आप ही के तनख्वाह से कटेगा, इसमें सरकार भी बराबर कंट्रीब्यूट करेगी और वही पैसा आपको 11 लाख रुपया मिलने वाला है, कोई बाहर से ऐसा पैसा नहीं मिलने वाला है। पर मानते हैं कि 1 लाख लोगों की नियुक्ति होती है अग्निपथ स्कीम के तहत, तो 25% 1 लाख का हो गया 25,000। जो बेस्ट 25,000 लोग हैं उनको परमानेंट कमीशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। परमानेंट कमीशन कहने का मतलब वो नहीं है कि ऑफिसर्स वाला, जो 17 साल तक अगर आप देखते हैं कि नौकरी होता है मिलिट्री में, तो ये 25,000 लोग जो बेस्ट होंगे, 75,000 लोग को तो बाहर कर दिया जाएगा कि अब आप बाहर जाइए, लेकिन जो 25,000 लोग हैं उसको परमानेंट कमीशन में, मतलब जो कंटिन्यूएशन जो होता है उसमें रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आर्मी का कहना है कि जो बेस्ट इस 1 लाख के लॉट में होगा उसको हम रिक्रूट कर लेंगे कंटिन्यूएशन के लिए आगे के लिए और 75,000 को बाहर कर देंगे। नियुक्ति कैसे होगा? जैसे अभी नियुक्ति चल रही है, जिस तरह से रैली लगता है हर जिला में, हर शहर में, इस तरह से, तो जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलेगा और इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। ये हो गया बेसिक। पर अब हम लोग एनालिसिस पार्ट में चलेंगे और एनालिटिकली इसको हम लोग चेक करेंगे कि जो सरकार कह रही है सरकार किस मंशा से लेकर आई है और क्या सरकार की ज़रूरतें थी, ये कहाँ किस हद तक सही है, इस तरह से इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए,
इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि अभी आपको पता है कि इलेक्शन ईयर माथे पर है। कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, इलेक्शन जो है एक महापर्व है। और इलेक्शन जीतना किसी भी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, तब तो वो सत्ता में रहेगा, तब तो वो सरकार में रहेगा। जब इलेक्शन जीतना है तो देश में रोजगार एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, तो रोजगार के मुद्दे पर सरकार आँख नहीं मोड़ सकती थी। और सरकार चाहेगी कि जो युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है उसको कम कर सके और रोजगार पैदा कर सके, तो ये त्वरित रोजगार पैदा करने के लिए स्कीम को लाया गया है। दूसरी बात, हो सकता है कि आप मोदी समर्थक हों, हो सकता है भाजपा समर्थक हों, बिल्कुल हो सकते हैं, कांग्रेस के इनके विरोधी भी हो सकते हैं, पर इस चीज़ को आपको मानना होगा कि जो भी अभी सरकार है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो सरकार के संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले के तुलना में सरकार संबंध को सुधारी है। अगर आप इस चीज़ को एकदम मानना पड़ेगा, अगर आप तटस्थता से देखें तो जो देश के बीच की जो आंतरिक समस्याएं हैं, चाहे वो माओवाद की समस्या हो, आर्टिकल 370 की समस्या हो, पाकिस्तान की समस्या हो या चाइना की समस्या हो, सरकार उस पर एग्रेसिव स्टैंड लेती है। इस चीज़ को आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सरकार डिफेंसिव की जगह बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लेती है, जो कि बहुत हितकारी है, जो कि अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा है। पर इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा कि जब 2008 का जब ग्लोबल क्राइसिस होता है, जब पूरा देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल होती है, उस समय भारत एक नक्षत्र के रूप में निकलता है। क्यों? उस समय जो देश की अर्थव्यवस्था थी एक ऐसे व्यक्ति के कमान में थी, जो देश के जो बागडोर था एक ऐसे व्यक्ति के कमान में था। जब हम सड़क पर आ चुके थे 1991 के क्राइसिस में, जो व्यक्ति उस क्राइसिस से हमको निकाल चुका था उसके हाथ में बागडोर था। और जब पूरा विश्व 2008 की आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, भारत एक नक्षत्र के रूप में चमक रहा था, उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। पर इस चीज को आपको मानना होगा, आज की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर है। अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार में समस्या है, इसीलिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे 1 से 1.5 साल के बीच में। तो कहने का मतलब है कि अब सरकार भी मान रही है कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, युवाओं में असंतोष है और हमें रोजगार देना होगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मूव है ये रोजगार सृजन के तरफ है। जो युवाओं में डिसकंटेंट है उसको त्वरित रूप से ठंडा करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मुझे लगता है ये भावनात्मक पक्ष हैं, पर जो मुझे लगता है कि जो फैक्ट सब्सटेंशिएट करते हैं, हम वहाँ पर आना चाहते हैं जो मुझे उचित लगता है। देखिए, अगर आप डिफेंस का बजट देखेंगे तो डिफेंस का बजट पाएंगे कि 5.25 लाख करोड़ रुपया बजट होता है डिफेंस का, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट बजट है 5 लाख करोड़ का। इस 5 लाख करोड़ के डिफेंस बजट में आप देखेंगे कि कम से कम 4.25 लाख करोड़ रुपया, 3.65 लाख करोड़ रुपया जो है केवल जो ऑफिसर्स हैं इनके सैलरी में चला जाता है। अगर एक आर्मी मैन का आप सैलरी देखें तो 60 से 70 हज़ार रुपया उसकी सैलरी होती है। तो आप वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है, तो 3.5-4.25 लाख करोड़ रुपया तो सैलरी में उनका चला जाता है, इतना रुपया तो उनके पेंशन में चला जाता है, इतना रुपया तो उनके सुविधा में चला जाता है, उनका अपना सुविधा होता है, उनका कैंटीन होता है। तो इसमें हमारा 3.65 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। तो 5.25 में से 3.5 तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया ही बचता है जो कैपिटल पर खर्चा हो सके। इसका मतलब कि सरकार को अगर रफाल खरीदना है तो मात्र इतना ही पैसा बचता है, अगर सरकार को सबमरीन खरीदना है तो इतना ही पैसा बचता है, अगर सरकार को कोई मिसाइल तैयार करना है तो इतना ही पैसा बचता है। तो सरकार के पास मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा बहुत कम है, सरकार का मुख्य पैसा पेंशन में चला जाता है और इनके सैलरी में चला जाता है। अगर और आप बारीकी से देखें और अच्छा एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस 5.25 लाख करोड़ रुपया में मोटा मोटी 1.20 लाख करोड़ रुपया जो है केवल पेंशन में चला जाता है। जो परमानेंट, जो आपके घर वर में जो रहते होंगे, जब आर्मी से रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन सिस्टम उनका जारी रहता है, जब पेंशन सिस्टम जारी रहता है तो इतना पैसा पेंशन में चला जाता है। तो सरकार करना क्या चाहती है, हर साल इस 1.20 लाख करोड़ रुपया को बचाना चाहती है, जो आपको डायरेक्ट नहीं कह रही है, हो सकता है इस पैसा को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करना चाहती हो सकता है वो बॉर्डर, जो बॉर्डर पे अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना चाह रही हो, क्योंकि लद्दाख से हमें दिक्कत कर रहा है, हमें
टू फ्रंट वार हमारा हो सकता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, एक साथ युद्ध हो सकता है, तो उस व्यवस्था में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। ये ठीक है कि हमें फोर्स भी चाहिए होगा, पर हमें कैपिटल के रूप में एक हवाई जहाज चाहिए होगा, हमें नए नए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, नए रडार सिस्टम चाहिए होगा, नया मिसाइल सिस्टम चाहिए होगा, तो उस केस में आपके पास पैसा बहुत कम बचता है कैपिटल के लिए। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से सरकार इस पेंशन को कम करने के लिए ये अग्निपथ स्कीम लाई है, ताकि जो हर साल 1,20,000 करोड़ रुपया हमको पेंशन देना पड़ता है, यहाँ से हमें छुटकारा मिल सके। और देखिए कि आर्गुमेंट्स फोर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है। पहले हम लोग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में देखेंगे तो आप ये कहते हैं कि जब अग्निपथ से वो चार साल, अग्निपथ स्कीम से चार साल बाद निकलेगा तो हम उसको गन का लाइसेंस दे देंगे। तो जब आप गन का लाइसेंस दे देंगे तो आप क्या चाहते हैं कि 25 साल का युवा बंदूक कमर में खोस के और जो बैंक के सामने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करे, और क्या करेगा जब उसको बंदूक का लाइसेंस आप दे देंगे? चार साल 25 साल में निकाल देंगे, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड, मतलब आप देश के युवाओं को आप एक वॉचमैन बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। एक तर्क ये है, जब देश का युवा 25 साल में वो निकल जाएगा और अर्थव्यवस्था रोजगार पैदा नहीं कर पाएगी तो उसके पास बीवी रहेगा, बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा? एक समाज में असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी। जब असंतोष की भावना पैदा होगी तो द सोसाइटी विल नॉट बी अ राइट प्लेस टू लिव इन, सोसाइटी में डिसकंटेंट रहेगा, हो सकता है भविष्य में सिविल वार की तरफ, अगर हम एक्सट्रीम केस में देखें तो हो सकता है यह सिविल वार का रूप ले ले, जैसा श्रीलंका वगैरह में हो रहा है। तो एक तर्क यह है कि युवाओं में जब असंतोष होगा तो युवा जो है वो शांति से गांधीयन मेथड को नहीं अपनाएगा। जब युवा गांधीयन मेथड को नहीं आएगा, आप उसको ऑलरेडी बंदूक दिए हुए हैं, हो सकता है वो हथियार अपने सरकार के खिलाफ उठा ले असंतोष के कारण, है ना। दूसरी बात कि जब आप उसको पेंशन नहीं देंगे, अगर उसको 25 साल बाद हो सकता है आप निकाल दे रहे थे, कुछ तो पेंशन का इंतजाम करते, कम से कम ठीक है 1,000 रुपया पेंशन देते, पर कुछ तो उसको पेंशन दे देते कि कम से कम उसका खर्चा चलते रहे। आप जब उसको पेंशन एकदम ही नहीं देंगे तो उसको कुछ सिक्योरिटी ही नहीं है, उसको तो आपने सड़क पर लाकर छोड़ दिया। 25,000 लोगों को मानते हैं कि 25% लोगों को आपने रिटेन किया, बाकी को आपने छोड़ दिया, तो वो तो सड़क पर आ गया। कहने का मतलब है कि देयर विल बी नो सिक्योरिटी इन द केस ऑफ द अग्निपथ स्कीम। एक चीज़ आप और देख रहे हैं जो इसमें, आप अगर इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि जो गोरखा रेजिमेंट जो नेपाल वगैरह से भर्ती होती है, गोरखा रेजिमेंट अपने बहादुरी के लिए बहुत जाना जाता है। अगर आप देखें तो गोरखा रेजिमेंट की बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रिक्रूटमेंट कम करेंगे और अपने जो युवा है उसका रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे, ये एक बहुत ही सुसाइडल स्टेप है। जब आज के डेट में जब चाइना इनरोड कर रहा है आपके पड़ोस में, श्रीलंका में इनरोड किए हुए है, आपको भूटान में इनरोड कर रहा है, आप देखेंगे कि चाइना का इनरोड जो है, भले वहाँ की सरकार में, नेपाल की सरकार में थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर हो सकती है चाइना के प्रति, पर वहाँ के समाज में अगर आप देखें तो चाइना के प्रति सहानुभूति नहीं है। वहाँ की समाज जो है वो भारत के प्रति सहानुभूति रखता है। ऐसे भी हम बिहार वाले और यूपी वाले जो लोग हैं उसको आप ये पाएंगे कि हमारा तो बेटी रोटी का संबंध है, मधेसी लोगों के साथ संबंध है, हमारी तो शादी ब्याह होती है वहाँ पर, तो वहाँ की जो समाज है वो भारत परस्त है, इसीलिए चाइना वहाँ पर इनरोल नहीं कर चुका है। और इसलिए भी भारत परस्त है कि वहाँ के जो समाज के बहुत सारे लोग गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हैं, और जब गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हैं तो वो हमारे एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं, हमारे दूत के रूप में काम करते हैं, हमारा सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं, वो हमारी बात को रखते हैं और वहाँ की जो समाज है उसको भारत के प्रति और भारतीय लोगों के प्रति प्रेम है। तो आज ऐसे इंटरनेशनल एटमोसफेयर में, आज जहाँ फॉरेन रिलेशनशिप में जहाँ पर चाइना एक एग्रेसर के रूप में काम कर रहा है, तो हम जानबूझकर इस स्कीम के तहत हम क्या कर रहे हैं, भारत जो है नेपाल को चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ढकेल रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें एक और स्कीम का एक प्रावधान यह है कि हम लेके आएंगे ऑल इंडिया ऑल रेजिमेंट, हमने यहां लिखा हुआ होगा ऑल इंडिया ऑल क्लास। अगर अभी आप भर्ती का देखेंगे तो जैसे एक राजपूत रेजिमेंट है, बहादुरी के लिए जाना जाएगा, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो यूजुअली आप देखेंगे कि जो राजपूत होते हैं उनको आप राजपूत रेजिमेंट में डालेंगे, ये बहादुरी के प्रतीक हैं। सिख को आप देखेंगे तो सिख रेजिमेंट में यूजुअली इनको डाला जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला जाता है, और भी लोगों को डाला जाता है, पर मुख्य रूप से ऐसा ही किया जाता है। जब आप ऐसा करते हैं, जो रेजिमेंटाइजेशन प्रोसेस है इसके तहत क्या होता है, एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रेजिमेंट्स में होता है। किस चीज़ के लिए कंपटीशन होता है? बहादुरी के लिए होता है कि इस किला को हमने फताया, मतलब कारगिल में इस टॉप को सिख रेजिमेंट ने जीता, इसको
जिसको राजपूत रेजिमेंट ने जीता, तो अपने रेजिमेंट की प्रतिष्ठा और गौरव के लिए ये कट मरते हैं। जब आपने रेजिमेंटाइजेशन को ख़त्म कर दिया, अग्निपथ वाला जवान इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, किसी में चला जाएगा। जब रेजिमेंटाइजेशन को आपने ख़त्म किया, तो एक जो कहा जाता है कि जो इंटरनल कंपटीशन है, जो अंदर से एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन की भावना था कि हम ज़्यादा बहादुर कि आप ज़्यादा बहादुर, हम ज़्यादा कट मरने को तैयार कि आप ज़्यादा कट मरने को तैयार, तो जो इंटरनल कंपटीशन है उसको आपने ख़त्म कर दिया। और इंटरनल कंपटीशन जो कंपटीशन था, ये एक हेल्दी कंपटीशन था, ना ही कि बहुत ही मतलब एक दूसरे के प्रति खराब भावना नहीं था, एक हेल्दी कंपटीशन को आपने ख़त्म कर दिया, ये भी एक उसका है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि एक आदमी को हमेशा लगातार बुखार हो रहा है, जब एक आदमी को हमेशा बुखार हो रहा है तो वो क्या करेगा, जांच कराएगा। एक स्कूल ऑफ थॉट जब क्वैक के पास जाएगा तो ये बुखार है, वो बुखार का दवा दे देगा पारासीटामोल। पर अगर आप बढ़िया अस्पताल में जाएंगे, आप अपोलो में जाएंगे, बीएलके में जाएंगे और मैक्स अस्पताल में जाएंगे, तो वो आपका जांच लिखता है, वो बोलता है कि फलाना फलाना टेस्ट करके आओ, क्योंकि जब टेस्ट करेगा तो आपको पता चला कि मानते हैं कि उस व्यक्ति को निकलता है कि उसको एचआईवी एड्स है। तो भाई हम इलाज एचआईवी एड्स का करेंगे, ये जो बुखार हो रहा है, ये जो आपका फीवर हो रहा है, ये तो मेयर एक सिम्टम्स है, हम तो इलाज इसका करेंगे। सरकार क्या कर रही है, जो इसके विरोधी लोग हैं, जो विरोधी विचारधारा है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार रिमेडी का इलाज कर रही है। सरकार का प्रॉब्लम क्या है कि अर्थव्यवस्था नौकरी नहीं पैदा कर रहा है, अर्थव्यवस्था जो है जॉब को पैदा नहीं क्रिएट कर पा रहा है, नहीं क्रिएट कर पा रहा है। उस जॉब क्राइसिस की समस्या के चलते युवाओं में असंतोष है, उस युवाओं के असंतोष को ट्रीट करने के लिए आप जो है एक टेम्पररी मेजर निकाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अगर आप देखेंगे कि बिहार के केस में हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर आप बिहार के केस में देखें तो जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी ख़राब इसलिए हो गई क्योंकि बिहार की एक सरकार ने त्वरित निर्णय लिया कि हम शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे। जब शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे तो शिक्षा मित्र बहुत ऐसे हैं जो अच्छे हैं, पर बहुत ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिसको कख भी नहीं आता है। अगर बहुत ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिसको दो जोड़ दो भागा दो आप कर दीजिएगा, तो दो प्लस दो को पहले चार जोड़ेगा, फिर भागा दो करके बोल देगा कि आंसर दो हो जाएगा। वो कभी तीन नहीं बोल सकता है, उसको बोर्डमास्टर रूल पता ही नहीं है, और ये सिंपल चीज भी उसको नहीं पता है। सरकार के एक टेम्पररी मेजर के लिए एक त्वरित निर्णय से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। अगर आप बिहार में जाकर देखेंगे तो बीपीएससी के समय जो बहाली हुई थी शिक्षकों और हेडमास्टरों की, दे आर द पीपल ऑफ द हाई इंटेलेक्चुअल प्रोनेस, उनको इतने एडप्ट हैं इंटेलेक्चुअल के, अगर आप लगता है 95-96 के आसपास बहाली हुई थी, तो जो हेडमास्टर्स वगैरह की नियुक्ति हुई है बहुत ही शानदार नियुक्ति हुई है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है ये अग्निपथ स्कीम के तहत एक टेम्पररी मेजर के रूप में एक मूव ले रही है, जबकि समस्या है कि आप अगर आप जॉब क्रिएट करते, अच्छा जॉब आपका मार्केट में होता, तो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। आप अच्छा जॉब देते, अच्छा स्किल्स देते, तो जरूरत ही नहीं पड़ता कुछ, है ना, आपका रोजगार सृजन नहीं है, इसलिए आप रिमेडी पर फोकस कर रहे हैं और इस तरह की स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। पर सरकार के भी पक्ष को हमें जानना जरूरी है कि सरकार ऐसा तो नहीं है कि मूर्खता कर रही है। देखिए, सरकार का कहना है कि अब जो युद्ध लड़ा जाएगा वो किस चीज़ पर लड़ा जाएगा, वो साइबर सिक्योरिटी पर युद्ध लड़ा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर युद्ध लड़ा जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर युद्ध लड़ा जाएगा। अभी जो आर्मी का जो एवरेज एज है वो 32 साल है, जब हम अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को उसमें हम एंट्री देंगे तो 4 से 5 साल एवरेज एज गिर जाएगा, मतलब तुरंत गिरेगा। और जब 4 से 5 साल एवरेज एज गिरेगा तो हमारा जो फोर्स क्रिएट हो जाएगा वो 26 साल के एवरेज एज का क्रिएट हो जाएगा। जब आज के युवा बंदूक से, आज की लड़ाई बंदूक की लड़ाई नहीं होगी, आज की जो लड़ाई है वो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के तहत लड़ाई होगी। जब टेक्नोलॉजी के तहत लड़ाई होगी तो आप ये बताइए कि आपके पापा अच्छा मोबाइल चला पाएंगे या आप अच्छा मोबाइल चला पाएंगे। आप ये बताइए कि आपके पापा को ट्विटर चलाने में दिक्कत होगी, आपके पापा को यूट्यूब चलाने में दिक्कत होगी, आपके पापा को फेसबुक चलाने में भी दिक्कत हो रही होगी, पर आपको दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है हम लोग टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड होते चले जाते हैं, पर आज का जो युद्ध है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर बेस्ड होगा। तो जब हम एवरेज एक 32 साल के युवा को ले और एक 26 साल को युवा के ले, तो युवा जो रहेगा वो टेक सेवी ज़्यादा रहेगा। जब टेक सेवी ज़्यादा रहेगा तो आज के युद्ध में हमें अगर मानते हैं कि युद्ध होगा तो अपर एज हमको रहेगा। इसलिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा फोर्स रहेगा, युवा रहेगा, वो उतना टेक सेवी रहेगा। दूसरी बात, जब हम पेंशन, जो अभी आपको बताया कि 1 लाख 20 लाख एक
एक 1.20 लाख करोड़ रुपया का जब बजट होगा, जब पेंशन हमारा बचेगा, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन में खर्च करेंगे, और नए रफाल लेके आएंगे, और नए हथियार लेकर आएंगे, और नए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, और उस पैसा को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा है। दूसरी बात, एक जो लॉजिक बार बार दिया जा रहा है कि आप 4 साल ही क्यों कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा क्या सकते हैं। अगर आप देखिए तो फ्रांस इजराइल का जो सेना होता है, वहाँ मात्र 30 महीने की बहाली होती है मिनिमम। फ्रांस की सेना में जो बहाली होती है 1 से 10 साल की बहाली होती है, इसके बीच में आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो भारत की बहाली होती है वो 17-17 साल की बहाली होती है आर्मी में, फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज में, पर फ्रांस में 1 से 10 साल की है। यही हाल यूनाइटेड स्टेट्स में है, 1 से 10 साल के बीच में है। इजराइल से तो मात्र 30 महीना में भी वहाँ पे टर्मिनेशन वाला सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्सेज हैं, हम लोग जो वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया। जो भी देश में फोर्सेज हैं वो चाहेगा कि हमारा जो फोर्स है वो जितना युवा रहे उतना अच्छा है। युवा रहेगा तो उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना आसान है, उसमें राष्ट्र प्रेम भरना आसान है, और जब वो युवा रहेगा तो वो कट मरने के लिए तैयार रहेगा। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा उसमें मैच्योरिटी आएगी, जब मैच्योरिटी आएगा तो वो कट मरने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो देश के लिए, वतन के लिए कट मरने के लिए तैयार हो। इसके लिए हमें फोर्स का जो एवरेज एज युवा होना चाहिए, इसलिए ये जो स्कीम है उसके तहत से बहुत अच्छा है। तो एक टैक्स सेविंग वाला पॉइंट कवर कर लिए, एक मॉडर्नाइजेशन वाला पॉइंट कवर कर लिए कि जो पेंशन वाला चीज़ है उसको आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ में लेके चले, और दूसरी बात है कि एक रेजिमेंट वाला तर्क लिया जाता है कि वो एक प्राइड ऑफ रेजिमेंट वाला जो है एक प्राइड का मामला है। तो हम ये आपको बोलना चाहते हैं कि देश में प्राइड का क्या मामला है। आप एक तरह से देश की आर्मी को कंपार्टमेंटलाइजेशन करना चाह रहे हैं कि राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, यही फ्रैटर्निटी है। देश में फ्रैटर्निटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल वैल्यूज है। आप हमको कंपट राजपूत को राजपूत में डाल रहे हैं, सिख को सिख में डाल, इसकी जरूरत ही नहीं है, वो किसी भी फोर्स में जाए। फाइनल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, देश, देश सबसे आगे है। तो देश को आप सब डिवाइड मत करिए कि ये प्राइड लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप इस चीज़ को ख़त्म करिए। एक तरह से एक जो क्लास सिस्टम आपने बनाया हुआ है, ये जो जात और धर्म का जो सिस्टम बनाया हुआ है, इसको आप ख़त्म करिए। और एक ये पॉजिटिव मूव है, ये जो चीज़ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव मूव ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ लोगों का ये कहना है सरकार का ये कहना है कि आप बोल रहे हैं कि आप 4 साल बाद उस युवा को सड़क पर ढकेल देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो 75% युवा जो हम रिटेन नहीं करेंगे, इसको हम ब्रिज कोर्स प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि इसको कुछ ना कुछ हम टेक्निकल नॉलेज दे देंगे। जब टेक्निकल नॉलेज दे देंगे तो हो सकता है कि जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ती हो वहां पर इसको हम जो PSU हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको हम टेक्निकल नॉलेज दे देंगे ब्रिज कोर्स के थ्रू, तो ये वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और भविष्य में अगर मानते हैं हमारा कुछ युद्ध हो जाएगा तो हमारे पास ये जो 75% युवा हैं इनको मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया रहेगा, तो इनको हम कभी भी रीहायर कर सकते हैं, और इनको हम देश के लिए अगर युद्ध वाली स्थिति बनती है तो वहां पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक लार्ज पूल ऑफ पीपल अवेलेबल रहेगा जो मिलिट्री में ट्रेन रहेगा, जो मिलिट्री के नॉर्म्स को, फीचर्स को, उसके टेक्निक को जानता रहेगा, वो हमारे पास ऑलरेडी विल हैव अ लार्ज पूल ऑफ द पीपल हु विल बी एडेप्ट इन दिस। तो एक बेनिफिट ये है। दूसरी बात है कि सरकार ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब कितना ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कर सकती है ये देखना होगा। तो इस तरह से हम सारे तर्कों को देख चुके हैं, पर देखिए आप कंक्लूजन कैसे करेंगे। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कंक्लूजन कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन आप ये करेंगे कि जो 4 साल का आप रखे हुए हैं टर्म, ये बहुत कम है। अगर 4 साल में अगर मानते हैं जैसे 3 साल होगा तो उस व्यक्ति को तो अब लगेगा कि हम देश के लिए क्यों कटे मरे। अगर मानते हैं उस परिस्थिति में युद्ध हो गया तो उसको लगेगा कि हम देश के लिए क्यों कटे मरे, यार 1 साल का तो मेरा मामला है, 1 साल किसी तरह निकाल देते हैं, उसके बाद तो हम फिर चले ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 4 साल के लोग हैं, एक 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा, एक व्यक्ति का 17 साल का ड्यूरेशन रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसको वो इन्फीरियर के रूप में ट्रीट करेगा, इसको वो अपना समझेगा ही नहीं, तो ये बहुत दुखद रहेगा। दूसरी बात, 4 साल टर्म बहुत कम है, बहुत कम पीरियड है, इसको कम से कम बढ़ा के आप 7 साल कर दीजिए। जब 7 साल रहेगा तो कम से कम वो निकलेगा भी जब आर्मी से तो 28-30 साल का रहेगा, तो फिर भी ठीक है। 25 साल में तो पूरा लड़का जवान होता है, और उस केस में आप उसको निकाल देंगे तो बड़ा दुखद होगा। तो कहने का मतलब आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, सुझाव के तौर पर ये लिख सकते हैं कि जो 4 साल वाला ड्यूरेशन है बहुत कम है, इसको कम से कम 7 साल का ड्यूरेशन कर दीजिए। और दूसरी बात ये रखिए कि 4 साल में क्या वो उसको, तो जैसे आज 6 महीने
महीना ट्रेनिंग में गया, 2 साल नौकरी किया, फिर वो रिटायरमेंट की तरफ चला गया, तो उसको देश प्रेम उतना जग नहीं पाएगा, देश के लिए मर मिटने की जो भावना उतनी प्रबल और तीव्र नहीं रहेगी। अगर 7 साल रहेगा तो एक बेटर ड्यूरेशन है। इस 7 साल के ड्यूरेशन में आप उसको टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा दे सकते हैं, आप ये एक इनफ पीरियड है ताकि उसमें देश प्रेम रहे, कट मरने के लिए चीज रहे, तो ज़्यादा ऑप्टिमल 7 साल रहेगा 4 साल के बजाय। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। हमने सारा पक्ष रख दिया, अब आपका कॉल होगा कि आप क्या अपना स्टैंड लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।